हेलो गाइस, क्या हाल है आपके। तो फिर गाइस, अगर आप मेरे लाइव स्ट्रीम पे आते हो आजकल, तो तुम लोगों को पता होगा कि आजकल मैं 2-3 दिनों से बहुत सारे एनीमे देख रहा हूँ। मतलब एनीमे मुझे बहुत अच्छे लगने लगे हैं, ठीक है। तो फिर गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मेरा एनीमे कौन सा एनीमे मैं देख रहा हूँ, कौन सा एनीमे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो अभी मैं कोई और एनीमे नहीं देख रहा हूँ, मैं सिर्फ एक ही एनीमे देख रहा हूँ। तो फिर उसका नाम वीडियो के एंडिंग में बताऊंगा, बस तुम वीडियो देखो, पता लग जाएगा कौन सा एनीमे देख रहा हूँ मैं। तो फिर ये स्टोरी स्टार्ट होती है अब से 1 महीने पहले, जब हमारे बीस्ट बॉय सूप की वीडियो आती थी। बीस्ट बॉय सूप की एक वीडियो देखी है जिसमें वो एनीमे के ऊपर बात करता है। तो मेरे अंदर ये इच्छा हुई कि ये एनीमे क्या है जो मेरा फेवरेट यूट्यूबर देखता है। तो फिर एनीमे मुझे देखनी थी, देखिए मुझे ये नहीं पता था मैं कौन से एनीमे देखूँ। तो सबसे फेमस एनीमे डेथ नोट, ठीक है। मिथ पैट ने एक वीडियो अपलोड की थी जिसपे उसके पास एक किताब थी, उस किताब के ऊपर लिख रखा था नाम डेथ नोट। तो फिर पता लग गया वो एक एनीमे है और एनीमे बहुत ज़्यादा फेमस है और उसने अपने आप का अच्छी एनीमे। तो मैंने अपने दोस्त को कहा व्हाट्सएप पे कि भाई ये एनीमे क्या है। तो उसने बताया कि एनीमे जैसे हमारे कार्टून होते हैं वैसे होते हैं, लेकिन वो उन कार्टून से बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। तो मैंने उससे कहा कि भाई मुझे देखनी है एनीमे, तो तुम मुझे डेथ नोट के एनीमे देखनी है तो तुम मुझे भेज दे, ठीक है। तो उसने भेजी मुझे एक वेबसाइट की लिंक, ठीक है। तो उस लिंक को जैसे दबाया तो वहाँ पे आ रखी थी एक एनीमे आ रखी थी, ठीक है। तो मैंने डाउनलोड की गई वो वाली एनीमे, ठीक है। उसका एक एपिसोड मैंने देख लिया, फिर एपिसोड जब देखा ना, फिर मैंने देखा कहीं पे भी है ही नहीं वो किताब। फिर मैं दोबारा जाके वो वाली वेबसाइट ऑन की तो देखा कि वो एनीमे कोई और थी, ठीक है। और उस एनीमे का नाम था टोक्यो घूर, ठीक है। तो वो एनीमे मुझे बहुत अच्छी लगी, हालांकि उसकी लैंग्वेज अलग थी लेकिन वहाँ पे इंग्लिश में सब आ गया था उसका, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम मैंने देखी एनीमे और मुझे बहुत अच्छी लगी गाइस वो एनीमे टोक्यो घूर। तो फिर मैंने वो एनीमे देखी, पता है एक दिन में मैं उसकी 4 एपिसोड देख लेता था गाइस, इतनी अच्छी लगी ना। और ये एनीमे ऐसी है कि तुम्हें ये ही नहीं पता लगेगा कि इसका विलेन कौन है, ठीक है। जैसे तुम ये सोचोगे भाई ये बंदा होगा इस एनीमे का विलेन, ठीक है। तो फिर जैसे तुम उस बंदे को मानोगे, थोड़ी देर बाद उस वो अपनी वो बता देते हैं, स्टोरी बता देंगे। फिर स्टोरी में वो होते नहीं है विलन, और मैंने अब तक उसका एक सीज़न देख लिया, या तो एक नहीं पूरे 2 देख लिए सीज़न, और मुझे अब तक नहीं पता कि उस एनीमे का है कौन विलन। और गाइस इतना अलग अलग आदमी आते रहते हैं ना उसमें, जैसे कि एक सीज़न ख़त्म हुआ ना तो तुम्हारे अंदर अगला सीज़न देखने की बहुत इच्छा हो जाएगी, ठीक है। एक एपिसोड देखा, अगला एपिसोड जल्दी से देखने का मन करेगा, ठीक है। तो फिर उसका मेन कैरेक्टर जो है उसका नाम है गाने की, ठीक है गाइस। तो तुम्हें मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, वरना तुम लोग को सब पता लग जाएगा। तुम ये एनीमे जाके देखो गाइस, जिसने अब तक एनीमे नहीं देखी है। असल में बता लूँ, एनीमे देखने के बाद तुम्हें छोटा भीम को ना याद नहीं रखोगे, बहुत बेकार है गाइस ये एनीमे, बहुत अच्छे इनसे, ठीक है। तो फिर उसमें क्या होता है, घोर होते हैं वो, इंसानों खाते हैं, पता नहीं क्या है, मतलब कुछ है, लेकिन वो अच्छे होते हैं, इतने बेकार भी नहीं होते हैं। बहुत अच्छी एनीमे गाइस, ठीक है। तो फिर उस एनीमे के मैंने देखने हैं पूरे 2 सीज़न, और 2 सीज़न तो बहुत अच्छे रहे हैं। अब मैं आज अगला सीज़न देखूंगा, उसका एक एपिसोड मैंने इंस्टॉल कर लिया है, इंस्टॉल नहीं डाउनलोड, ठीक है। तो फिर उस एनीमे को देखने के बाद ना मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं अब से कोई और एनीमे भी स्टार्ट करूँगा। डेथ नोट मैं अब देखूँगा एक बार और, ठीक है, एक बार और नहीं पहली बार। तो फिर आप लोगों को कौन से एनीमे अच्छी लगती हैं वो नीचे कमेंट में जाके ज़रूर बताना। और आपने अगर टोक्यो घूर नहीं देखी है तो क्या जल्दी से जाके वो वाइज देख लो, और मुझे बताओ कि आपको उनमें सबसे अच्छा कौन लगता है। तो फिर गाइस आज की वीडियो पर इतनी ही, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो पे। और असली में बताऊँ, मुझे नहीं पता था ये वीडियो मैंने क्यों बनाई है, ठीक है। तो फिर कोई बात नहीं, आप आए वीडियो एंडिंग तक जो जो आया है बता देना कि मैंने वीडियो एंडिंग तक देखी है। और बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।